अस्सलाम वालेकुम, ताजमहल चाहिए सूजी का हलवा। और आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप इस रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी इजी, क्विक और डिलीशियस रेसिपी है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल जंगल शेफ़ को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप सूजी ले ली है। सूजी को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, और यहाँ पर सूजी को अच्छी तरीके से भून के यूज़ करना है। और मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चीनी ले ली है। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये नारियल ले लिया है, ग्रेटेड नारियल, जिसे मैंने कलर कर लिया है रेड और ग्रीन कलर में। आप चाहे वाइट नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1 लौंग, 1 छोटी इलायची ले ली है। और मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी ले लिया, मतलब कि 120 ml। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने घी डाल दिया। और अब मैं घी को गर्म हो जाने दूँगी। और मैंने यहाँ पे होममेड घी यूज़ किया, देसी घी, आप चाहे डालडा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें लौंग और इलायची डाल दूँगी। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाली है। और अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पहले मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाला है, और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें दोबारा से 1/2 कप पानी और डाल दूँगी, मतलब कि टोटल मैंने यहाँ पे 250 ml पानी यूज़ किया है। और अब मैंने यहाँ पे 2 पिंच येलो फूड कलर डाल दिया, जो कि ऑप्शनल है। मिक्स कर लूँगी मैं इसे, और अब मैं इसे पका लूँगी लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 8 मिनट के लिए। 2 से 3 उबाल आ जाए तक इसे पका लेना है। तो मैंने इसे पका लिया है, अब मैं इसे एक बार चला लूँगी। और अब मैं इसमें नारियल डाल दूँगी। आप चाहे और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हो वो आप इसमें डाल दें। मिक्स कर लूँगी मैं इसे अच्छी तरीके से, और अब मैं इसमें सूजी डाल दूँगी। 1 हाथ से सूजी डालनी है, और 1 हाथ से चलाते जाना है, ताकि हलवे में कोई लम्स ना बने। तो मैंने इसे मिक्स कर दिया, और अब मैं इसे मिक्स कर करके पका लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। आपको इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसे पकाना है। आपको पतला हलवा पसंद हो तो आप इसे कम पकाएं, और आपको थोड़ा सूखा हलवा पसंद हो तो आप इसे ज़्यादा भी पका सकते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ करके इस डिलीशियस से हलवे को सर्व कर लूँगी। और आपने देखा कितनी इजी और क्विक रेसिपी है। तो आप इसे को एक बार शब बारात में ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे इसे गार्निश कर दिया नारियल से। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल के जंगल शेफ़ को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब से बेल बटन भी क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर कुकिंग कॉन्टेंट अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम ID के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी न्यू और अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन, ईट गुड एंड फील गुड। बाय।